जनवरी से गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे विविध योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। महानगर में हाल ही में हुए दो लूट में शामिल सात अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, पकड़े गए अभियुक्त के पास से लगभग 6 लाख रुपए नकद, एक चार पहिया वाहन, कट्टा व कारतूस सहित कई अन्य सामान बरामद। धूमधाम से मनाया गया राजकीय बौद्ध संग्रहालय का स्थापना दिवस, कमिश्नर ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुआ स्वर्गीय माया पांडे स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, सम्मानित हुई विभूतियां। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने दायित्व बोध और राष्ट्र निर्माण विषय पर रखे विचार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पत्नी राजी सत्यार्थ ने बसंत मेले का किया उद्घाटन, मेले में बुटीक स्टॉल, हस्तशिल्प निर्मित सामान लोगों के आकर्षण का बना केंद्र। भारतीय बौद्ध महासभा के नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। 30 जनवरी को आयोजित होगा मदनवाल महासंघ द्वारा वैवाहिक परिचय एवं संयुक्त सम्मान समारोह। गोरखनाथ मेले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम द्वारा शिविर लगाकर लोगों को दी गई उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी। दलित चेतना संगोष्ठी में हुई दलित समाज के दशा और दिशा पर चर्चा। पंचायती राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र सिंह 29 को ग्राम प्रधान संगठन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। और छुट्टी के साथ खिली धूप के कारण गोरखनाथ में उमड़े श्रद्धालु, मेले का उठाया लुत्फ़।